गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए जी। थैंक यू। बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर, मेरे को कोई बीमारी तो है नहीं। मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या है। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम राजन है। हाँ। राजन राही। अच्छा, देखिए राजन जी, बोलिए आपकी क्या समस्या है? जी, समस्या छोटी भी है और देखा जाए तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। देखिए, जब तक आप मुझे अपनी समस्या के बारे में बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा और मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगी, इसलिए आप बेझिझक होके मुझे बताइए। डॉक्टर, समस्या ऐसी है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ, आप डॉक्टर हैं, आप बिल्कुल आपसे खुल के नहीं बताऊंगा तो फिर किसको बताऊंगा। बिल्कुल। दरअसल मैं ब्लैक हूँ, मतलब काला हूँ, मेरी वाइफ भी थोड़ी काली है। तो हम चाहते हैं कि हमें बच्चा हमारा गोरा पैदा हो। उसकी वजह से हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हमें ताने मारते हैं, और तो और मेरी वाइफ को मेरी मम्मी जो है वो बहुत ताने मारती है कि काले पैदा हो गए, काली बहू आ गई, ये तो खुद भी काला था, वो भी काली आ गई। मैं चाहता हूँ कि गोरा बच्चा पैदा हो जाए, अगर इसका कोई सलूशन आपके पास है तो प्लीज़। मैं देखिए राजन जी, जी पहली बात तो ये कोई समस्या नहीं है जी, ठीक है, और काला होना कोई बुरी बात भी नहीं है। हमारे तो श्री कृष्ण भगवान भी काले थे, उन्हें हम लोग पूजते हैं, पूरी दुनिया पूजती है उन्हें जी। लेकिन फिर भी हाँ, हर पेरेंट्स की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बहुत खूबसूरत, बहुत गोरा, बहुत सुंदर हो। जी, वही मैं कह रहा हूं। आपकी बात समझ रही हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे को खूब मेरे दोस्त लोग, बच्चे लोग कल्लू कल्लू बोलते थे, ओ कलवे, ओ कल्लू, ऐसे बोलते थे, तो मेरे को बुरा लगता था, मेरे पेरेंट्स को भी बुरा लगता था। मैं समझ रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, खास कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने देखा है खासकर जो जेनेटिक होता है ये कलर अपने पेरेंट्स पे ही जाता है। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। लेकिन घरेलू उपचार मैं आपको कुछ बता देती हूँ, घरेलू टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। पहली बात तो, अच्छा, आपकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट हैं? जी। अच्छा, अभी तीसरा महीना। ओके, हाँ, तो आप सबसे पहले तो देखिए उसके खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिए जी, और उसको दूध पिलाइए। दूध जी, केसर डाल के। केसर? हाँ जी। और सुबह खाली पेट उसे जूस दीजिए। खाने पीने पे खास ख्याल रखिए। और जो आपने कहा कि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी उनको ताने देती हैं, ये वो, नहीं, इस वक्त उन्हें खुश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन्हें जितना खुश रखेंगे, माँ जितनी खुश रहती है, उसका इफ़ेक्ट होने वाले बच्चे पर पड़ता है। आप उसे टेंशन में रखेंगे तो बच्चा उसी तरीके से पैदा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ, खूबसूरत, सुंदर, गोरा हो, तो उसके लिए देखो, आपको कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ उन्हें। आप खासकर पूरे टाइम तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती जी, है जी, आप इन पे आप गौर कीजिएगा। आप उसका दूध जी, दूध, हाँ, जैसे मैंने बताया अभी, जूस जी, जी, दूध, केसर डाल के, फल फ्रूट, इन सब चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और सारी टेंशन से उसे बहुत दूर रखिए। उसके बाद ही देखिएगा आपका बच्चा सुंदर, स्वस्थ भी होगा। और ये जो ताने देना है, या फिर बच्चा गोरा नहीं है या काला है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ये ऊपर वाला हमको जिस तरीके से बनाता है, जिस तरीके से हमें बनाया गया है, हम उस तरीके से इस दुनिया में जन्म लेते हैं जी। गोरा और काला होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन होना कि बच्चा स्वस्थ हो, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। लेकिन फिर भी, जैसे आप सांवले हैं, काले नहीं कह सकते, आप सांवले हैं, आपकी वाइफ सांवली है, तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एटलीस्ट कम से कम जो आपने बचपन में जो चीज़ झेली है वो आपका बच्चा ना झेले। तो आपको जो मैंने टिप्स दिए हैं ना अभी, आप उनका खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, उसका चेकअप हर हफ्ते कराइएगा, क्योंकि चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चेकअप के बाद में उसका अल्ट्रासाउंड भी कराते रहिए, जो उससे बच्चे कैसा मूवमेंट कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, किस तरह की धड़कन है, वो सब कुछ आपको पता चलता जी, मैं हर 3 महीने बाद। हाँ, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल बिल्कुल कराइएगा। और खाने पे खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, फिर आपका बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और आपको ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी जो आपका बच्चा नहीं झेलेगा, जो आपने झेली जी। गोरा तो हो जाएगा? गोरा होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, मार्केट से कोई भी मेडिसिन ऐसी उसे ना खिलाइएगा ताकि उसको साइड इफेक्ट हो,
क्योंकि मार्केट से ली गई दवाइयाँ ऐसे उसमें कुछ कारगर नहीं होती हैं, बल्कि साइड इफेक्ट करती हैं, और घर में किए गए उपचार बहुत कारगर होते हैं। जी, जी। जो जो मैंने आपको बताया, आप मिस्टर राजन वो सब करके देखिए, और आप अपने बच्चे को फिर यहाँ लेके आइएगा, देखना जी, बहुत सुंदर बच्चा पैदा होगा के साथ लेके। हाँ बिल्कुल। और बताइए कुछ और पूछना है? नहीं, बस यही पूछना था। अब मेरा बच्चा, अब आपकी टेंशन दूर हो गई ना? जी जी, मेरे समझ में आ गया। उसको जूस देना है, उसको फ्रूट्स देने हैं, हरी सब्जियां देनी है, टेंशन फ्री रखना है। जी, अब मेरी समझ में सब आ गया। थैंक यू डॉक्टर, यही चाहता था, इससे ग्रोथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन ना लीजिए, आप जाइए और बच्चा बहुत सुंदर पैदा होगा आपका। इसका मतलब ये सब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है मैडम कि मेरे बाप ने मेरी माँ को टेंशन बहुत दी थी, इसीलिए मैं काला पैदा हुआ। ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ राजन, लेकिन जो कुछ आपके पेरेंट्स ने किया या जो कुछ हुआ, वो आप गौर कीजिएगा कि वैसा आप अपनी वाइफ के साथ ना करें, उसे खुश रखने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल इन बातों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। हाँ। और जो आपकी बताई हुई टिप्स है उन्हीं को ही फॉलो करूंगा। बिल्कुल जी, थैंक यू। हाथ मिला सकते हो? जी जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ओके जी, पता नहीं कैसे कैसे सवाल लेके लोग आ जाते हैं। सच, उम्मीद तो होती है कि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, सुंदर हो। हर पेरेंट्स ये चाहता है, अगर ये चाह रहा है तो क्या बुरा चाह रहा है। सच, पिता बनने का सौभाग्य हर एक इंसान को होता है।